हेलो स्टूडेंट, आज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिन टू अभिक्रिया, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एसिन वन अभिक्रिया को अच्छे से समझा दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिन टू अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका अंग्रेजी नाम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी नाम बताते हैं, एक द्विअणुक। इसमें दो अणु है यहाँ पे, तो यहाँ पे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। ठीक है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में ये समझाऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो अभिक्रिया होती है वो एक पद में संपन्न होती है। ठीक है, एक पद में संपन्न होती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ज़्यादातर मैं यहाँ पर लेके चलने वाला हूँ आप लोगों को कुछ ऐसा कंपाउंड जो चतुष्फल की था पहले। ऐसे मान लो ये चतुष्फल की आकृति वाला, मैंने यहाँ पे हैलोजन ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 1 डिग्री क्या है, एल्केहैलाइड है। 1 डिग्री एल्केहैलाइड तो हम लोगों को 1 डिग्री एल्केहैलाइड से यहाँ से कहानी चालू करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि ऐसे वाला अभिक्रिया मैंने 3 डिग्री एल्केहैलाइड लिया था, और इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा था, जो कि बहुत ही स्टेबल होता है। यानी 1 डिग्री का एल्केहैलाइड लेते हैं, यानी कि ये बताना चाहता हूँ कि एसिन टू अभिक्रिया जो होती है 1 डिग्री 2 डिग्री में आसानी से होता है, और एसिन वन अभिक्रिया जो होती है वो 3 डिग्री एल्केहैलाइड और 2 डिग्री एल्केहैलाइड में आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसको लेने का रीज़न ये था। चलिए, तो मैं यहाँ पे ये कहने वाला हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे नाभिक स्नेही ही सबसे पहले आक्रमण करने लग जाता है। ठीक है, अब नाभिक स्नेही जब आक्रमण करने जाएगा तो आगे से आक्रमण करेगा कि पीछे से आक्रमण करेगा उसको देखना है। चूँकि आगे में एक बहुत ही बल्कि ग्रुप या फिर एक बहुत बड़ा समूह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसके इलेक्ट्रॉन के बादल होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन के बादल यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही नाभिक स्नेही भी जाहिर सी बात है, इसके भी नाभिक स्नेही का मतलब माइनस वाला, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन के बादल होंगे इस प्रकार से। तो इसके इलेक्ट्रॉन के बादल, इसके इलेक्ट्रॉन के बादल के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये प्रतिकर्षण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिम प्रभाव बोलते हैं। इस त्रिम प्रभाव की वजह से यहाँ से अग्र आक्रमण नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको पीछे से आक्रमण करना पड़ेगा। और पीछे में बहुत ही छोटे छोटे जैसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन के बादल उतने बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो नाभिक स्नेही होता है वो यहाँ से बैक अटैकिंग यानी पश्चाक्रमण करता है। ठीक है, तो ये अपने पास अभिकारक रहता है, जो कि चतुष्फलकीय अभिकारक रहता है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4 सिग्मा बंध आने वाला है कार्बन के पास, जो कि चतुष्फलकीय संरचना बनाती है। ठीक है, अब चतुष्फलकीय संरचना बनाती है, मैं इसको भी लिख ही देता हूँ क्योंकि आपको ये लिखना ही पड़ेगा। चतुष्फलकीय वाला हम लोगों ने क्या लिया है, एल्केहैलाइड लिया है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही आक्रमण होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आक्रमण होता है तो धीरे धीरे जुड़ता है। ठीक है, एकदम एक बार में जुड़ता नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे, इस प्रकार से नाभिक स्नेही जो कि धीरे धीरे जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आंशिक ऋणावेश देता हूँ। और चूंकि कार्बन पे आंशिक धनावेश रहता है और हाइड्रोजन पे आंशिक ऋणावेश होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, निकलने चालू हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन था। ठीक है, और बाकी जो बच गया है उस 3 तत्वों 3 परमाणु, उसको मैं इस प्रकार से दिखाने वाला हूँ, हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये जो आपको संकुल दिखाई दे रहा है, ये संकुल जो है वो आपको दिखाई होगा त्रिकोणीय। देखो, ये त्रिकोणीय दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिकोणीय, और यहाँ पे 1-2 पिरामिड आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी वाली संरचना बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बोला जाता है। ठीक है, द्विपिरामिडी। अब ये जो है ना, तो कार्बोकैटायन है, इसको स्पेशल नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था कहने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ बंध जो है वो टूट रहे होते हैं। ये वाला बंध टूट रहा है, ये वाला बंध क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऐसा जहाँ पे ऐसी अवस्था हो जिसमें क्या हो, कोई बंध जुड़ रहा हो, कोई बंध टूट रहा हो, उसको हम लोग संक्रमण अवस्था बोलते हैं। संक्रमण अवस्था जो होती है बहुत ही, उसका जीवन काल बहुत कम होता है, बहुत ही अल्प समय के लिए बनता है। यही अपना क्या है, इस अभिक्रिया के लिए मध्यवर्ती कहलाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती, जो कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है। यह अभिक्रिया जो होती है बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है, और यहाँ पे संक्रमण तत्व संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब क्या होगा, अगले पद में ये होगा कि ये जो अभिक्रिया में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पूरा निकल चुका रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है नाभिक स्नेही वो पूरा जुड़ चुका रहेगा। अब वापस ये 4 संयोजी चतुर्संयोजी वापस यौगिक बना लेगा, और नाभिक स्नेही इधर पीछे से जुड़ा है। अब बाकी हाइड्रोजन मैं यहाँ पे इस प्रकार से ले देता हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हैलाइड के रूप में क्या हो गया है, बाहर हो गया है। ठीक है, और ये अपने पास वापस आपको यौगिक उत्पाद का निर्माण हो चुका है, जो कि वापस चतुष्फलकीय यौगिक का निर्माण हो चुका है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, इसकी प्रोसेस चलती है, और यहाँ से मध्यवर्ती से उत्पाद का निर्माण जो है वो बहुत ही तेज गति से होता है, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए बनता है, तो जाहिर सी बात है जल्दी से उत्पाद का निर्माण हो चुका रहेगा। इस प्रकार से अभिक्रिया चलती है। इस अभिक्रिया के लिए सबसे मुख्य शर्त ये है, इसके लिए आपको ध्रुवीय
अप्रोटिक विलायक जी, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, तो एग्जांपल है अपने पास एसीटोन है, एसीटोन ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एसीटोन, डीएमएफ, और एक होता है डीएमएसओ, ठीक है, ये सब आपको चाहिए रहता है। इन इस टाइप के ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में क्या होता है, ये रिएक्शन जो चलती है। इसके लिए जो नाभिक स्नेही होना चाहिए ये थोड़ा प्रबल रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो प्रबल टाइप के आपके क्या चाहिए, नाभिक स्नेही की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कम ताप में भी ये रिएक्शन हो जाती है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण पश्चाक्रमण होता है। अग्रमकरण क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे अग्रमकरण नहीं हो पाता है, इसलिए पश्चाक्रमण होता है। पश्चाक्रमण होता है, धीरे धीरे क्या होता है, नाभिक स्नेही जुड़ता है और हलोजन जो है धीरे धीरे निकलता है। इस प्रकार से पंचसंयोजी त्रिकोणीय द्विकर्मेडी संरचना बनती है जो कि संक्रमण अवस्था कहलाती है। यही अपना मध्यवर्ती होता है, यहाँ तक अभिक्रिया धीमी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हलोजन बाहर निकल चुका होता है और इस प्रकार से आपका नाभिक स्नेही जुड़ चुका होता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम बहुत समझ सकते हैं यह अभिक्रिया कैसे चलती है। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक की आवश्यकता पड़ती है, एसीटोन, डीएमएफ, एडीएमएसओ इसकी जरूरत पड़ती है ना, इसके लिए प्रबल रूप से आपको नाभिक स्नेही की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। अब मैं इस अभिक्रिया के लिए आपको अभिक्रिया की दर निकाल के बताता हूँ। अभिक्रिया की दर SN2 अभिक्रिया की जो दर निकल के आती है दर, उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि धीमा पद कौन सा है, ठीक है। धीमा पद में अभिक्रिया की दर जो है वो धीमा पद पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो धीमा पद में यहाँ पे दो चीज़ भाग ले रहा है, एक अभिकारक और एक अभिकर्मक है। तो अभिकारक अभिकर्मक चाहिए, तो अभिकारक क्या है आपका, एल्किन हैलाइड है, ठीक है। RX के रूपित कर सकते हैं एल्किन हैलाइड को, है ना, अकेला है देख लो तो एक घात आएगा और एक है नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठोक यहाँ पे नाभिक स्नेही है, एक नाभिक स्नेही है, इस प्रकार से यहाँ पे एक प्लस एक कितना हो गया, दो। तो ये जो निकल के आती है वो अभिक्रिया की कोटि निकल के आती है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया कोटि कितनी आने वाली है, यहाँ पे दो आने वाली है। ऐसा इस अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके धीमे पद में दो अणु भाग ले रहे हैं, एक अभिकारक और एक अभिकर्मक, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको इसके लिए आपको ऊर्जा स्तर चित्र बना के समझाता हूँ, ठीक है, उसको हम लोग डायग्राम फॉर्म में समझेंगे। ऊर्जा स्तर चित्र SN2 अभिक्रिया के लिए ऊर्जा स्तर चित्र। अब ये चित्र कैसे बनता है, ध्यान सुनिएगा, ये चित्र ऐसे बनेगा कि आपको लेना रहता है दो अक्ष लेना पड़ता है, ठीक है। एक अक्ष मान लो ये वाला वाई अक्ष, एक अक्ष में आपको स्थिर ऊर्जा लेनी पड़ती है, स्थिर ऊर्जा यू से निरूपित किया जाता है इसको शॉर्टकट में, ये स्थिर ऊर्जा को बता रहा है। इधर आपको अभिक्रिया की गति लेनी पड़ती है, जिसको हम लोग आर से निरूपित करते हैं, अभिक्रिया की दर भी बोल सकते हैं, रेट बोलते हैं रेट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने अभिकारक लिया था, मान लो इस जगह पे थोड़ी सी कुछ ऊर्जा पे कुछ अभिकारक तो रहते हैं, ऊर्जा अभिकारक के कुछ ना कुछ ऊर्जा रहती है, लेकिन वो काम का नहीं होता उतना भी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन था अपने पास, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, इधर हाइड्रोजन लिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, जैसे फल के रूप से आपका क्या था, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये अपने पास क्या है, अभिकारक है, 1 डिग्री अभिकारक है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आंशिक ऋणावेश होता है और कार्बन क्या होता है, आंशिक धनावेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अब क्या होगा, इसको हम ऊर्जा देंगे, कुछ ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ तक ने बढ़ाने के लिए क्या किया है, इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपने सक्रिय ऊर्जा दिया है, ये सक्रिय ऊर्जा होती है, ठीक है। और इस जगह क्या होगा, ये जो अपने पास हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे क्या होता है निकलता है, उसमें नाभिक स्नेही धीरे धीरे क्या होता है, आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही पहले आक्रमण कर लेता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे नाभिक स्नेही का आक्रमण हो रहा है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन धीरे धीरे बाहर हो रहा होता है, ठीक, कार्बन से, और यहाँ पे नाभिक स्नेही धीरे धीरे जुड़ रहा होता है, और ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, इस प्रकार से आपके पास संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था जो कि मध्यवर्ती होता है। फिर क्या होगा अगले पद में, देखो अगले पद में होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल चुका होता है, नाभिक स्नेही जुड़ सकता है, इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण हो जाता है, एक ही पद में हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक यहाँ पे शिखर या फिर एक बोल सकते हो पिक नजर आती है, ठीक है, पिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन निकल चुका होगा, इस प्रकार से आपके पास पीछे बैक अटैकिंग होता है, तो पीछे तरफ नाभिक स्नेही जुड़ चुका होता है, इस प्रकार से हाइड्रोजन, इस प्रकार से हाइड्रोजन और ये अपना हाइड्रोजन, इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, रिएक्शन से बाहर निकल चुकी होती है, ठीक है। इस प्रकार से अभिक्रिया के लिए ऊर्जा स्तर चित्र बनाया जाता है। पहले पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, पीछे से बैक अटैकिंग करता है, इधर बैक अटैकिंग कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है, फिर धीरे से क्या हो, जल्दी से क्या हो जाता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है, ये है अपना उत्पाद और ये है अपने पास अभिकारक, ये है अपना अभिकारक।
इस प्रकार से रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। ये भी चित्र आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने समझा कि एसिंटो अभिक्रिया के लिए एक पद में ही संपन्न होती है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया की कोटि दो आती है, ठीक है। ये अभिकारक और अभिक्रमक दोनों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर ये अभिक्रिया जो होती है वन डिग्री टू डिग्री एल्के हैलाइड में आसानी से संपन्न हो जाती है, थ्री डिग्री टू डिग्री में संपन्न नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है थोड़ा बड़े बड़े समूह जो है पीछे तरफ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए पीछे अटैक नहीं होता, इसमें पश्चात आक्रमण ही होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक जैसे कि एसीटोन डीएमएफ डीएमएसओ की उपस्थिति में होती है। यह पहला पद धीमी पद होता है, जिसमें क्या होता है पंच संयोजी त्रिकोणीय डीप रेमेडी संक्रमण अवस्था या फिर मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है बहुत ही अस्थायी होता है। उसके बाद यह अभिक्रिया जल्दी से संपन्न होकर के उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है, अतः यह अभिक्रिया क्या होती है तेज होती है, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस इस प्रकार से, इसमें अभिक्रिया कोटि दो आती है, इसलिए इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया या फिर द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने SN1 और SN2 को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग विलोपन अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।